हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। देखो, एवेंजर एंड गेम के बाद फिर से मार्वल के कट्टर फैंस इंतजार कर रहे हैं फिर से कोई एवेंजर की टीम अप वाली मूवी देखने के लिए। लेकिन जरा रुको, सबर करो, क्योंकि सबके रग रग में बसने वाला खरोपाती जीनियस समाज सेवक रोमियो यानी कि आयरन मैन, जो कि मर चुका है, और क्रिस इवांस यानी कि कैप्टन अमेरिका, जिसने रिटायरमेंट ले ली है। और आपको पता भी होगा कि लास्ट में ब्लैक विडो ने भी सेक्रीफाइस कर दिया था एंड गेम में, तो हमारी टीम बची ही क्या? एवेंजर टीम है ही नहीं, तो बनेगी कैसे? तो एवेंजर 5 को लेकर केविन फिगी ने क्या कहा है, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठिएगा, मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ। एक बबीता देखो, एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन के मरने के बाद सही में आयरन मैन के फैंस को दिल से बुरा लगा था। और यही नहीं, अभी भी आयरन मैन जिंदा कैसे होगा उस पर बहुत ही थियरीज भी अभी अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन वो सब कुछ फेक है, अभी कोई ऐसी अपडेट ही नहीं है। लेकिन फैंस, एक गुड न्यूज मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक पैंथर 2 में आपको आयरन हट देखने को मिलेगी, वही जो कि आपको टोनी स्टार्क की बेटी यहाँ पर आपको देखने को मिली थी एंड गेम में, उसी को यहाँ पर आयरन हट तरीके आपको देखने को मिलेगी। नहीं, शायद एवेंजर 5 में भी आपको शायद ये आयरन हट देखने को मिल सकती है एक सुपर हीरो की तरह। हम बात करते हैं कि यहाँ पर केविन फिगी ने क्या कहा है एवेंजर 5 को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जो कि फेज 3 की लास्ट मूवी थी उसे देने के बाद वो केविन फिगी को इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या फिर से कोई एवेंजर टीम अप वाली मूवी आएगी, जो कि हर एक फेज में एवेंजर वाली मूवी होती है, तो क्या फेज 4 में एवेंजर वाली मूवी आएगी टीम अप वाली या तो फिर? तो उसमें केविन फिगी ने आंसर देते हुए कहा है कि उसको एंडगेम जैसी मूवी बनाने में 10 साल लगे थे, क्योंकि उसमें जो भी छोटे हीरो से लेकर बड़े बड़े हीरो है उसकी पर्सनली उसने एक मूवी बनाई है, उसने कहा टाइम उसने स्पेंड भी किया है, यानी कि जो भी यहाँ पर हम सभी नए नए हीरोज आएंगे उसको भी एक पर्सनली उसकी मूवी आएगी, तभी हमें पता चलेगा वो हीरोज के बारे में और तभी हमें उसके दिल में उसकी जगह भी बना पाएंगे। इसलिए जो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर ओल्ड हीरोज है अब तो वो सभी मर चुके हैं, इसलिए जो भी नए हीरोज आएंगे उसकी एक पर्सनली मूवी भी आएगी। अब एग्जाम्पल तौर पर ले लो, यहाँ पर चीज आ रही है, बाद में इंटरनल, बाद में सी हल्क जैसी बड़ी बड़ी मूवीज तो आ रही है, बाद में ही जाकर एक नई एवेंजर की टीम बनेगी और बाद में ही कोई एक नई एवेंजर टीम अप वाली मूवी आएगी। इसलिए फ्रेंड्स, केविन फिगी ने ऐसा कहा है कि अब तो टाइम तो लगेगा ही कोई एक नई एवेंजर की टीम बनाने के लिए। और यही नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी के शायद 2023 या तो फिर 24 के यहाँ पर हमें ये मूवी देखने को मिल सकती है। तब तक यहाँ पर जो फेज 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और फेज 5 शायद वहाँ पर चल रहा होगा और उसके यहाँ पर जो आधी मूवीज तो खत्म भी होगी। देखते हैं फेज 5 में शायद हमें एक कोई एवेंजर की टीम अप वाली मूवी हमें देखने को मिल सकती है। और यही नहीं, अब बचे कुछ हीरो यानी कि यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज है, स्पाइडरमैन है, सी हल्क है, शैंग-ची है, इटर्नल के यहाँ पर हीरोज है, जो कि एक एवेंजर की टीम अप वाली मूवीज में हमें देखने को ऑलरेडी वो तो मिलेंगे ही, और बाकी के जो भी यहाँ पर फेज 5 में अभी भी हमें मूवी आएंगी उसके हीरोज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि बाकी यहाँ पर केविन फिगी के उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि मार्वल जो सोच सकता है वो तो हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते, यानी कि आयरन मैन 4 भी बन सकती है अगर रॉबर्ट जूनियर के वो पेशो की बारिश कर दे तो ऑलरेडी फिर से आयरन मैन 4 बन ही सकती है। और हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो एवेंजर 5 है वो एक और मल्टीवर्स मूवी होने वाली है, यानी कि आपको भी पता होगा कि लोकी से ही मल्टीवर्स स्टार्ट हो गया है और आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज, डॉक्टर स्ट्रेंज और हाँ थोर द लव थंडर में भी आपको मल्टीवर्स देखने को मिलेगा, जो कि मैंने उसका अलग वीडियो बनाई रखा है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, तो उसमें भी हमें मल्टीवर्स देखने को मिलेगा। यानी कि अब आने वाली शायद मोस्ट ऑफ ऐसी मूवीज होगी यहाँ पर एमसीयू की जो कि आपको उसमें मल्टीवर्स देखने को मिलेगा, तो एवेंजर 5 में क्यों नहीं देखने को मिल सकता, राइट? ऐसा कहा जा रहा है कि शायद एक मल्टीवर्स मूवी हो सकती है। बाकी तो फ्रेंड्स, जब इसकी होगी तभी हमें पता चलेगा, अभी तो हम फैन थियोरी भी कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आपको इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दीजिए, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और नई मूवी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।